तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आप स्नैपचैट से जो है किसी को मैसेज करते हैं तो जो है मैसेज फेल्ड हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर स्नैपचैट को ओपन करता हूँ। एंड ओपन करने के बाद मैं चैट आइकन पर गया और यहाँ पर जो है मैं मेरी चैट पर गया। तो यहाँ पर जो है मैं मैसेज करता हूँ गाइज, कुछ इस तरह से। तो ये मैसेज जा रहा है, लेकिन मुझे जो है आज सुबह मुझे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, फील्ड टू सेंड इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि फील्ड टू सेंड की जो प्रॉब्लम आ रही है, मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है गाइस? भाई ये प्रॉब्लम हो सकता है या तो आपका मोबाइल का इंटरनेट है जो सही से वर्क नहीं करता, इसकी वजह से फील्ड हो जाता है मैसेज। एक प्रोसेस ये हो सकती है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में एरोप्लेन मोड को ऑन करना चाहिए एंड अगेन ऑफ कर लेना चाहिए, और फिर आपको चेक करना चाहिए तो आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। अगर नहीं होती तो मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे, मोबाइल नेटवर्क में जाना चाहिए और आपकी जिस भी सिम से इंटरनेट यूज करते हैं उस पर क्लिक करके एंड यहाँ पर प्रीपेड नेटवर्क टाइप को 5G एंड एक्सेस पॉइंट नेम को एक बार रीसेट कर लेना चाहिए, कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल का इंटरनेट ये स्लो वर्क करता है, इसकी वजह से भी मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा तो इसे देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपकी फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ऐप्स पे जाना है एंड यहाँ पर जाना है ऐप मैनेजमेंट में एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है स्नैपचैट एप्लीकेशन को और स्टोरेज यूजेज को क्लियर किए एंड इसको फोर्स स्टॉप। एंड यहाँ से क्या करना है, डाटा यूजेज को अगर आपकी डिसेबल हो कुछ इस तरह से तो भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो आप इनको इनेबल कर लें। एंड इतना करने के बाद क्या करना है, अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको अपने मोबाइल में स्नैपचैट एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है एंड इसके बाद जैसे मैसेज करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे आप इन मेथड को अप्लाई करिए, अपने स्नैपचैट में जो मैसेज सेंड की प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।